हे भाई यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ मस्त और बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बढ़िया से ब्लॉग में। दो तीन दिनों से मैं अपने चैनल पे ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। इसका कारण था ये कि मैं ब्यास में था और ब्यास में वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होता है। और मैं इस समय हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन में। ये वाला अमृतसर रेलवे स्टेशन मेरे पीछे जो ट्रेन खड़ी है इसी से मैं अभी आया हूँ, जो कि अमृतसर एक्सप्रेस है और ये नागर से चलती है और अमृतसर तक। इसके बाद जो यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ूंगा वो पकड़ूंगा पठानकोट सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जिसका जो फेयर मुझे पड़ा 80 रुपये, वो भी ब्यास से पड़ा। मैंने ब्यास से टिकट करवाया था। तो यहाँ से चलेंगे सीधा पठानकोट और पठानकोट में शायद शाम को गुरुद्वारा में रुकेंगे और सुबह जल्दी से जल्दी 3 या 4 बजे कम निकल लेंगे और 6 बजे मुझे नूरपुर जाना है। नूरपुर से मैं ट्रेन पकड़ूंगा अपनी 12 ट्रेन। तो अभी हम लोग यहीं पर बैठे हुए और ये मेरे मामा जी और ये और उपेश, ये दोनों भी चले जाएंगे अपने गांव, क्योंकि यहाँ से ये लोग चले जाएंगे और हम चले जाएंगे सीधा नूरपुर, मतलब कि पठानकोट। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइस अभी का सीन ये है कि भाई मेरी जो ट्रेन है वो 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, लेकिन अपग्रेड के कारण पता नहीं कोई इशू होगा तो इसके कारण वो 7 नंबर पर आ रही। तो अभी हमको 7 नंबर जाना पड़ेगा यार। 7 नंबर प्लेटफॉर्म जाएंगे, वहीं से फिर 10 मिनट बाद आ जाएगी, बोल रहे हैं कि 10 मिनट बाद आएगी। तो चलते हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म। यार गाइस पॉपआउट हो गया यार, हम लोग मतलब 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर गए। वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि भाई 4 पे आ रही। पहले मतलब कि मोबाइल पे भी दिखा रहा कि 7 पे आ रही, लेकिन अनाउंसमेंट पे बता रहा है 4 पे आ रही। देखते हैं यार क्या मतलब, या तो एक बार इसमें आ रही एक बार उसमें आ रही, पता नहीं चल रहा किस में आएगी। शायद 4 में आएगी, कंफर्म है अब 4 में आएगी। अभी हम लोग आ चुके हैं पठानकोट। अभी पठानकोट हम आ चुके थे, वहीं तकरीबन 1 घंटा हो गया था पठानकोट आ गए। उससे पहले बात यह है कि भाई साहब यहाँ पे स्टे के लिए कुछ ढूंढना पड़ता है। थोड़ा एरिया मतलब कि ये जो है पठानकोट मुझे सही नहीं लग रहा था यार, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्मी है, जगह जगह आपको आर्मी दिखेगी और तो थोड़ा नक्सली एरिया साइड टाइप का है। तो अभी हम लोग हैं, अभी हम हैं गुरुद्वारा में, श्री गुरु नानक देव गुरुद्वारा। तो अभी यहीं पर हैं, आधार कार्ड ले लिया भैया ने और अभी हमें यहीं पर स्टे करने के लिए मिल गया। तो रात में स्टे करेंगे। अब ये मेरा हॉल है कुछ इस तरह और इधर बेड वगैरह पड़ा हुआ है, तो अभी यहीं पे स्टे करेंगे। तो भाई बहुत मतलब कि भाई पूरा मेहनत लगती है भाई, अब ऐसे नहीं हो जाती है भारत घूमना कि भाई विदाउट मनी बहुत दिक्कत होती है। गुरुद्वारा ढूंढो उसके लिए, स्टे करने के लिए कुछ बहुत हो भाई, सबकी बस की बात नहीं है यार। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ यार ये कैसे हो पाएगा कैसे नहीं पाएगा, बट सपोर्ट करते रहिए गाइज यार। बहुत मुश्किल से, बहुत पूछो ना कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हाँ, तो अगर बता देते हैं कल से मैं कांगड़ा निकल जाऊँगा। तो अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।